गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अवर फोर्थ चैप्टर फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक एंड द चैप्टर नेम इज़ लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नेथली ट्रॉवी रॉय। तो बेटा, हम फोर्थ चैप्टर जो है आपकी बुक का उसे हम कर रहे हैं। उसके जो राइटर हैं नेथली ट्रॉवी रॉय है। तो मैंने कल भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था बच्चे, कि जो नेथली ट्रॉवी रॉय है वो कौन है, एक यूरोपियन राइटर। ठीक है, तो उन्होंने स्टोरीज़ जो लिखी हुई हैं, उन्होंने स्टोरीज़ किस पे लिखी हुई हैं, पेंटर्स के ऊपर। ठीक है, जो आर्ट किया जाता है, जो पेंटिंग की जाती है, तो उन्होंने अलग अलग, जैसे वहाँ पे कि यूरोप में किस टाइप की पेंटिंग्स की जाती हैं, चाइनीज़ पेंटिंग जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, तो ये कंसेप्ट उसने हमारे साथ क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसमें जो हमने कल रीड किया था, मैंने आपको बताया था कि उसने सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया था, एक चाइनीज़ पेंटर के बारे में बताया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था वुडोजी। वो 8th सेंचुरी में रहते थे। उन्होंने क्या किया कि लैंडस्केप की एक पेंटिंग बनाई। लैंडस्केप आपको पता है, ठीक है, जो मतलब एक जो अर्थ का एक ज़मीन जो होती है उसके एक अच्छा सा व्यू जो होता है उसको कहा जाता है। तो कहते हैं उन्होंने एक लैंडस्केप की वो बनाई, पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग जो थी वो उन्होंने किसको ऑफर की, जो एम्परर थे, टैंग एम्परर जो थे, ज्वेनजोंग जो थे, उनको की। और किस लिए? ताकि वो क्या कर सकें, उस पेंटिंग को अपने पैलेस की वॉल के ऊपर डेकोरेट कर सकें, उसको सजा सकें। तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो पेंटिंग थी उन्होंने सबसे छुपा के रखी। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जो एम्परर है वही इस पेंटिंग को देखे। देन उसके बाद वो जो पेंटिंग है वो एम्परर के पास लेके जाते हैं। उस पेंटिंग से ऊपर उन्होंने क्या बनाया होता है, उसमें वंडरफुल मतलब सीन्स होते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, माउंटेन्स उसने वहाँ पे बनाए होते हैं, वाटरफॉल्स जो हैं वो उस पेंटिंग में बनाए होते हैं, क्लाउड्स जो हैं वो पेंटिंग में बनाए होते हैं, हिली पाथ जो है वहाँ पे कुछ मैन जो हैं वो जा रहे होते हैं वो उसने पेंटिंग्स में बनाया होता है, जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो पेंटर होता है वो क्या करता है, जो मतलब एम्परर है उसको वो कहते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक केव बनाई है। केव कहाँ पर है? फुट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहते हैं, स्पिरिट रहते हैं। ये कौन बता रहा है? ये पेंटर बता रहा था उसको, एम्परर को। तो जो एम्परर होते हैं वो उसकी पेंटिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करते हैं कि आपने जो पेंटिंग बनाई है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है। तो उसके बाद वो उसको क्या कहता है कि केव कहता है कि आप क्या करो, आप ये जो केव मैंने बनाई है इसको देखो, और जो केव के अंदर वाला व्यू है ये भी बहुत अच्छा है। ये पेंटर कह रहा है एम्परर को, और किस में दिखा रहा है वो केव, उस पेंटिंग में दिखा रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब वो इसमें खो जाता है, इतनी ज़्यादा मतलब वो इमेजिनेशन उसकी स्ट्रांग है कि वो रियलिटी में वहीं पर पहुंच जाता है। इतनी ज़्यादा उसकी इमेजिनेशन जो थी वो स्ट्रांग थी कि रियलिटी में ऐसे वो शो करता है, उसको बताता है पेंटिंग में, लेकिन उसको क्या कहता है कि आप क्या करो, एम्परर को वो पेंटर कहता है कि आप क्या करो, आप भी मेरे साथ यहाँ इस केव में चलो, क्योंकि ये जो केव है ये अंदर से और भी ज़्यादा अच्छी है, और मैं आपको वर्ड्स में ये नहीं बता सकता, इसकी ब्यूटी के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता वर्ड्स में, आप भी मेरे साथ इस केव में चलिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या है। तो ऐसे कहता है, जैसे ही ये पेंटर ऐसे कहता है तो वो क्या करता है, केव के अंदर चला जाता है। जब केव के अंदर जाता है, मतलब देखिए उसकी इमेजिनेशन पावर, देखिए दिखा वो पेंटिंग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा बीच में मतलब वो डीप हो गया हुआ कि रियलिटी में वो चीज़ हो गई है, कि रियलिटी में वो उस केव में चला गया, वो जो पेंटिंग उसने बनाई थी, पेंटिंग में जो केव थी, तो रियलिटी में वो जो पेंटर था वो उसी केव में चला गया। तो कहते हैं जैसे ही वो केव के अंदर जाता है तो जो केव का एंट्रेंस है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो पेंटर जो है वो भी केव में चला जाता है, उस एम्परर देखता रहता है, एम्परर को वहाँ पे जो ब्रश होते हैं जिसके साथ उसने पेंटिंग की होती है वो ब्रश भी वहाँ से गायब हो जाते हैं, इवन कि जो पेंटिंग होती है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है, और वो जो मतलब जो पेंटर था वो पेंटर भी कभी भी इस वर्ल्ड में फिर से नहीं मिला। देखिए ये चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा वो पेंटिंग बनाते थे, ऐसी वो पेंटिंग बनाते थे कि उसमें वो टोटली खो जाते थे, उसमें वो टोटली खो जाते थे, उनको वहाँ पे मतलब कहते हैं इतने ज़्यादा वहाँ पे वो लोग खो जाते थे उस पेंटिंग में कि उनको लगता था रियलिटी में ये चीज़ होगी, तो रियलिटी में उसके साथ ऐसा ही हुआ, वो जो पेंटर था उसके साथ ऐसा ही हुआ कि वो केव के अंदर चला गया, वो दिखा पेंटिंग रहा था
और पेंटिंग में क्या हुआ कि वो उस केव के अंदर ही चला गया और फिर से वो इस वर्ल्ड में नहीं दिखाई दिया। तो ये हमने कल पढ़ा था, और उसके साथ मैंने आपको आगे बताया था कि नेक्स्ट स्टोरी जो है डिफरेंस भी मैंने बताया था कि इसमें जो वहाँ के जो स्कूल होते हैं चाइनीज के जो स्कूल होते हैं उनमें यही सिलेबस जो है वो करवाया जाता है। वहाँ जो कन्फ्यूजिस जो बुक्स होती हैं जॉन जिंगजी जो बुक्स होती हैं उनमें यही सिलेबस जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, इनके बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो अब ऑथर वो कहती है कि हमारा जो एरिया, अब वो यूरोपियन है ऑथर, मैंने आपको पहले भी बताया वो कहाँ की रहने वाली थी, यूरोपियन थी। तो वो ऑथर जो है वो उसको कहती है कि हमारे एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ, जो मेरा नेटिव प्लेस है फ्लैंडर्स, कहती है वहाँ जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो पेंटिंग क्या होती हैं, मतलब जिसको जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वही चीज़ वो बनाते हैं। ये नहीं कि इमेजिनेशन के साथ, जैसे इन्होंने बनाया, ये जो चाइनीज़ पेंटर थे इन्होंने जैसी पेंटिंग बनाई कि इमेजिनेशन के साथ ही उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें दिखा दी और ख़ुद भी उसमें क्या किया, चला गया। तो इस तरह से कहते हैं, लेकिन ये जो यूरोपियन में पेंटिंग बनती है ये ऐसी नहीं बनती, ये सिर्फ जैसी मतलब किसी को दिखानी है वही चीज़ बनाते हैं जो दूसरों को भी दिखे। जैसे उसने यहाँ पे एक और हमें मतलब स्टोरीज की बताई थी, और ये यूरोपियन पेंटिंग की बताई थी हमें, पहले उसने चाइनीज़ पेंटिंग की बनाई थी कि वो किस टाइप की पेंटिंग बनाते हैं उसकी स्टोरी बताई उन्होंने, देन उसके बाद अब हमें वो यूरोपियन स्टोरी बता रहा है कि वो किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं। तो यूरोपियन में कभी हमने पढ़ा था, इसमें कहते हैं कि इसमें क्या था कि 15th सेंचुरी में एंटवर्प एक प्लेस का नाम है, और मास्टर ब्लैकस्मिथ कि वहाँ पे क्या था, एक ब्लैकस्मिथ रहता था जिसका नाम था क्या था, क्विंटन मैटसिस। तो उसको एक पेंटर की डॉटर से लव हो जाता है, लेकिन जो पेंटर होता है पेंटर इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो नहीं चाहता था कि उसके जो सन इन लॉ है वो एक ब्लैकस्मिथ हो। तो इसलिए जो क्विंटन था, जो ब्लैकस्मिथ था, उसने क्या किया, वो पेंटर के स्टूडियो में गया, वहाँ उसने एक फ्लाई जो थी उसको पेंट किया। तो इस तरह से उसने उस फ्लाई को पेंट किया कि वो क्या लगती थी, ओरिजिनल लगती थी, इतनी मतलब दिल से इतनी अच्छी उसने पेंटिंग की कि वो लगता नहीं था कि ये जो फ्लाई है ये क्या है, पेंटिंग की हुई है इसकी, वो ऐसे लगता था जैसे रियलिटी में यहाँ पे फ्लाई जो है वो बैठी हुई है। तो इतनी देर में वो जो मास्टर था, मतलब वो जो पेंटर था, उस लड़की का जो फादर था, वो वहाँ पर आता है, वो उसको उड़ाने की कोशिश करता है, वो जो फ्लाई है उसको वहाँ से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो फ्लाई है वहाँ से नहीं उड़ती, क्यों, क्योंकि उस पर क्या बनी, वो तो पेंट की बनी हुई थी, मतलब पेंटिंग की हुई थी। तो वो क्या करता है, देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, फिर वो क्विंटन को बुलाता है, उसकी एडमायर करता है उसको, फिर वो कहता है कि आज से आप मेरे स्टूडियो में ही काम करोगे, और अपनी जो बिलव्ड होती थी, अपनी जो डॉटर थी उसकी, फिर वो उसकी शादी किसके साथ कर देता है, क्विंटन के साथ कर देता है, उसी ब्लैकस्मिथ के साथ, और वो जो ब्लैकस्मिथ था फिर वो आगे जाके बहुत अच्छा पेंटर बना। तो यहाँ पे ये हमने मतलब उन्होंने स्टोरी में एक डिफरेंस बताने की कोशिश की कि ये जो चाइनीज़ होते हैं वो इतनी डीपली पेंटिंग करते हैं, मतलब क्लियरली नहीं होता, वो इमेजिनेशन उसमें ज़्यादा होती है, वो इस तरह की पेंटिंग बनाते हैं कि जैसे वो बना देंगे मतलब ट्रीज़ बना देंगे, ठीक है, उसके बाद वो कहीं पे वाटरफॉल बना देंगे और कुछ उसमें इमेजिनेशन डाल देंगे, जो व्यूअर होता है उसको देखने वाले को लगता है कि उसमें इमेजिनेशन की यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, उन्होंने खुद ड्रा नहीं की होती, लेकिन इमेजिनेशन से ही वो चीज़ें बना देती हैं। जैसे केव के अंदर क्या था वो तो पता भी नहीं, लेकिन उसने क्या किया, वो कहता कि केव के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन जो यूरोपियन वाले पेंटिंग बनाते हैं वो किस टाइप की बनाते हैं, जो चीज़ें बिल्कुल व्यूअर्स को दिख सके, तो वो इस टाइप की पेंटिंग्स बनाते हैं। तो बेटा कल हमने यहाँ तक ही किया था, अब नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपियरेंस व्हाट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम एंड ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। The emperor may rule over the territory he was conquered, but only the artist knows the way within. देखिए अब उसने क्या कहा, कहता है इन द चाइनीज स्टोरी, चाइनीज स्टोरीज में क्या होता है, द emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. कि जो एक emperor होता है वो क्या करता है, पेंटिंग को देखता है, उसकी अपियरेंस को ही देखता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें पेंट की है, फिर उसकी वो क्या कर देता है, अप्रिसिएशन कर देता है, उसकी प्रेज कर देता है कि आपने पेंटिंग जो है वो बहुत अच्छी बनाई है। कहते हैं लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, जिसने जो वो पेंटिंग बनाई होती है, वही हमें इसका जो एक करेक्ट मीनिंग होता है वही वो हमें रिवील करता है कि उसने क्या चीज़ बनाई है, कौन सी चीज़ वो बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जैसे उसने क्या किया था, पेंटिंग में उसने केव जो है वो बनाई थी, लेकिन केव के अंदर क्या है वो चीज़ें उसको बताने की कोशिश कर रहा था एम्परर को,
ठीक है, तो वो कौन बता सकता था? खाली पेंटर ही बता सकता था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। तो कहते हैं इसी तरह से जो एक एम्परर होता है चाइनीज़ में क्या किया जाता है, जो एम्परर होता है वो क्या करता है, सिर्फ उसकी प्रेज ही कर सकता है, लेकिन जो चीज़ें बनाई गई हैं कि जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, उसने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं, तो वो पेंटर ही बता सकता है कि मैंने यहाँ पे कौन सी चीज़ें बनाई हैं, मेरी इमेजिनेशन क्या थी बनाने की, मैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। कहते हैं द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्करड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेट मी शो द वे, द ड्यू अ वर्ड्स दैट मीन्स बोथ द पाथ्स आर द मैथड्स एंड द मिस्ट्रीज वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज गोन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपियरेंस। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, कहता है द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी। जो एम्परर होता है वो क्या करता है, वो तो टेरिटरी के ऊपर रूल करता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, कॉन्कर करनी टेरिटरी जो होती है, दूसरी जो सीमा होती है उनको क्या करना, कॉन्कर करना, दूसरे के राज्य को कॉन्कर करना। तो कहता है लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट ही एक अच्छा जो रास्ता बता सकता है, ठीक है, एक अच्छी पेंटिंग कर सकता है। यहाँ पे उसके लिए कहा गया कि जो एम्परर होता है वो तो उसको तो मतलब उससे ही होता है कि मैंने अपना काम करना है, जब मैं इसको देखूंगा, पेज करूंगा पेंटिंग, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वही सही काम करता है, वही सही पेंटिंग बनाता है और वही बता सकता है कि इसमें मैंने कौन सी चीज़ बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वो कहता है कि लेट मी शो द वे अ वर्ड्स दैट मीन्स बोथ द पाथ आर मैथड। देखिए उसने क्या कहा, कहता है मैं आपको एक वे बताता हूँ, दाओ, तो दाओ जो है वो उसका क्या मतलब है, उसने कहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, जो वर्ड दाओ है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है वो द पाथ आर मैथड्स एंड मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। तो कहता है कि इसका मतलब क्या होता है, वो द पाथ कि इंटरनल जो जैसे उसकी इमेजिनेशन उसने कही ना कि इंटरनल इमेजिनेशन जो होती है उसका ये मतलब होता है, ठीक है। और दूसरा उसने कहा क्या कहा है, दूसरा मतलब क्या इसका हो सकता है, मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स की यूनिवर्स में जो चीज़ें मिस्टीरियस होती हैं, ठीक है, मिस्ट्री जो होती है यूनिवर्स में, तो उससे रिलेटेड जो मीनिंग है उसका मतलब है दाओ, ठीक है, वर्ड से रिलेटेड ही। तो आगे कहता है कि द पेंटिंग, जैसे उसने कहा कि द पेंटिंग इज गोन, कि जो चाइनीज ने पेंटिंग बनाई थी वो क्या हो गई थी, गोन हो गई थी, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड इट्स गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपियरेंस। और लेकिन जो आर्टिस्ट था जिसने जो चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी कि मैंने पेंटिंग में क्या बनाई है, तो कहता है उसने अपने जो गोल था उसको उसने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, वो अपने गोल तक पहुंच गया था। तो मतलब इसकी बात कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा वो अपनी पेंटिंग में खो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो एक यूनिवर्स होता है ना, मतलब एक इंटरनल जैसे होती है ना पावर, वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं आर्टिस्ट जो होते हैं बनाने वाले। तो कहता है आर्टिस्ट जो है, जैसे चाइनीज़ आर्टिस्ट ने क्या किया था, वो पेंटिंग जो थी वो क्या हो गई थी, गायब हो गई थी, लेकिन पेंट उसने क्या किया था, जो पेंटर था उसने क्या किया था, अपने जो गोल था उसका, जो चीज़ वो दिखाना चाहता था वहाँ तक वो पहुँच गया, वो पेंटिंग के साथ ही मतलब उस केव में वो पहुँच गया, वही चीज़ वो शो करना चाहता था उस एम्परर को, तो वहाँ तक क्या हो गया था, वो पहुँच गया था, चाहे जो पेंटिंग थी बाद में वो क्या हो गई थी, गायब ही हो गई थी। नेक्स्ट कहते हैं अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यूज एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, वेयर एज द यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल्स, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बताने की उसने कोशिश की है हमें, यूरोपियन के बीच में जो यूरोपियन की पेंटिंग होती है उनके बीच में, और जो चाइनीज़ की पेंटिंग होती है उनके बीच में। अब देखिए उसने क्या कहा कि अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, लैंडस्केप उसने किसके लिए कहा, अर्थ के ऊपर जो उसने लैंडस्केप बनाई है उसकी जो पेंटिंग बनाई है, तो कहता है द चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। तो कहता है एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, कहता है जो चाइनीज होते हैं वो ऐसी पेंटिंग नहीं बनाते, वो जो लैंडस्केप बनाते हैं वो ऐसी पेंटिंग नहीं बनाते कि जो सामने वाले होते हैं वो उसको देख पाए, अच्छी तरह से समझ पाए। कहते हैं जैसे जो वेस्टर्न होते हैं, जो यूरोपियन होते हैं, जैसे वो पेंटिंग बनाते हैं कि मतलब एग्जैक्ट वही चीज़ बनानी जो दूसरों को दिख जाए, तो कहते हैं चाइनीज़ ऐसी पेंटिंग नहीं बनाते, कहते हैं उनको मतलब उनकी इमेजिनेशन कुछ और होती है, तो दूसरे जो समझने वाला होता है उसको समझना पड़ता है और जो पेंटर होता है वही उसको समझा सकता है। तो कहते हैं वेयर एज द यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही
saw it from a specific angles. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. देखो उसने क्या कहा, कहते हैं the European painters wants you to borrow his eyes. कहते हैं कि यूरोपियन पेंटर क्या होता है, वो क्या चाहता है, borrows his eyes. इसका क्या मतलब है, उसने कहा कि वो चाहता है कि जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ वही चीज़ें आप लोग देखो. ठीक है, यूरोपियन की पेंटिंग्स में वो चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें वो दिखाना चाहता है वही चीज़ें वो पेंट कर सकता है, वही चीज़ें मतलब वही पेंटिंग वो करता है. तो इसलिए वो कहता है कि आप क्या करो, यू वॉन्ट वॉर हिज आइज़, कि आप उसी की आंखों से देखो जो चाहे उसने यूरोपियन पेंटिंग पेंटर ने बनाया है, आप उसी की आइज़ से देखो कि कौन सी चीज़ बनाई है. ठीक है, वही चीज़ हमें क्लियर दिखती है जो यूरोपियन बनाते हैं. लेकिन कहते हैं जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं, चाइनीज़ पेंटर जो उनके होते हैं उनका एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता. सिंगल मतलब उसने पेंटिंग, चाइनीज़ वाले जो होते हैं वो पेंटिंग बनाते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं लोगों के. कुछ लोग वहाँ पे कुछ और इमेजिनेशन कर लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुछ और इमेजिनेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी. मतलब चाइनीज़ की पेंटिंग इस तरह से होती है, लेकिन जो यूरोपियंस होते हैं, यूरोपियन की पेंटिंग क्या होती है कि सभी को एक जैसी ही चीज़ दिखती है. जैसे उसने क्या बनाई थी, फ्लाई बनाई थी, उसको कोई भी देखता था वो फ्लाई ही दिखनी थी. लेकिन यहाँ पे जो चाइनीज़ ने बनाई थी, तो यहाँ पे कोई और देखता तो उसको शायद केव की जगह कुछ और दिख जाता, वो कुछ और चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करता. तो कहते हैं चाइनीज़ जो बनाते हैं तो सभी लोगों को उसको देखने का एक जो व्यू पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो यूरोपियन की होती है उन सभी का सेम होता है. नेक्स्ट कहते हैं हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. Then travel in it and the artist create a path for your eyes to travel up and down then back again in the leisurely movement. अब देखिए ये चाइनीज़ की पेंटिंग के लिए कहता है his landscape is not a real one, कि जो चाइनीज़ की पेंटिंग होती है उसका जो लैंडस्केप होता है, जो चीज़ वो ड्रॉ करता है वो रियल नहीं होता. ठीक है, आप क्या करो, उस पेंटिंग में जाओ, जो जो चीज़ें आपने देखनी है आप उसमें ट्रैवल करो, आप देखो उसमें कि क्या क्या चीज़ें इसने बनाई है. ठीक है, अपनी इमेजिनेशन वहाँ पे लगाओ, अपनी इमेजिनेशन पावर वहाँ पे लगाओ, सारी चीज़ें वहाँ पे घूमो, सारी चीज़ें देखो, जो जो आपको लगता है यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी. कहते हैं आप वहाँ तक पहुँचो, उसके बाद फिर से क्या करो, उन चीज़ों को देख के आप फिर से आप वापस आ जाओ. ठीक है, जहाँ पर हो आप, ये चीज़ें यहाँ पे वो बताने की कोशिश करेगी. चाइनीज़ की जो पेंटिंग होती है वो इस टाइप की होती है कि आप कुछ भी उसके बारे में सोच सकते हो कि यहाँ पे उसने ये चीज़ बनाने की कोशिश की होगी, यहाँ पे ये चीज़ हमें समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन क्लियरली वो कोई भी चीज़ हमें नहीं पता चलती. आगे वो कहते हैं दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल इन विच द एक्शंस आर स्लोली ओपनिंग वन सेक्शंस ऑफ द पेंटिंग्स देन रोलिंग इट अप टू द मूव ऑन द on to the other adds a dimensional of times which is known in any other form of painting. आप देखिए यहाँ पे एक और हमें पेंटिंग की टाइप जो हमें बता रहा है, कहते हैं एक और टाइप की पेंटिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल कहते हैं. कहते हैं उसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो है उसको ओपनिंग करते जाते हैं और दूसरे पार्ट जो है उसको क्लोजिंग किया जाता है. ठीक है, हॉरिजेंटल होती है मतलब जैसे उन्होंने उसको खोला, स्क्रॉल किया. ठीक है, खोले तो नीचे जो है उसको अलग अलग पार्ट्स आते जाएंगे, फिर उसको ऊपर से रोल करते जाएंगे, नीचे वाला ओपन करते जाएंगे, तो अलग अलग व्यूज़ जो होते हैं हमें पेंटिंग के दिखते जाते हैं. तो कहता है एक इस टाइप की पेंटिंग आपकी होती है. कहता है इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स हु डिसाइडेड एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल. द चाइनीज पेंटर does not want you to borrow his eyes, he want you to enter his mind. The landscape is an inner one and the spiritual and the conceptual space. तो देखिए उसने क्या कहा, उसने कहता it is also required the active participation of the viewer. तो कहता है ये जो horizontal painting होती है, अब उसने बताया ना कि दूसरी टाइप की एक painting होती है उसको क्या करते हैं, scroll ऊपर से open करते जाते हैं, मतलब ऊपर से वो करते जाते हैं, क्लोज करते जाते हैं, नीचे से उसको खोलते जाते हैं. एक पार्ट आपने देखा, फिर उसके बाद ऊपर से उन्होंने वो कर दिया, रोल बना दिया, तो नीचे से फिर ओपन करते गए, इस तरह की पेंटिंग. तो कहता है ये जो पेंटिंग होती है इसको देखने के लिए क्या होता है कि व्यूअर की पार्टिसिपेशन जरूरी होती है. जो उसको देख रहा है उसकी पार्टिसिपेशन कैसे जरूरी होती है, मतलब वो उस चीज़ को समझे कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. वो देखे यहाँ पे इस पेंटिंग को अच्छे से देखे कि वो कौन सी चीज़ हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से वो पेंटिंग जो है उसको करते हैं. तो कहते हैं कि अ पार्टिसिपेशन विच इज़ अ फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल, कि उसकी फिजिकल पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए और मेंटल पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए इस तरह की पेंटिंग को देखने के लिए जो चाइनीज़ बनाते हैं, कि मतलब वो देखे उसको समझे कि क्या चीज़ है इसमें, क्या चीज़ वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं. तो कहते हैं जो चाइनीज़ पेंटर्स डज नॉट वॉन्ट
यू टू बोरो हिज आइज, कि जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो नहीं चाहते कि आप उनकी आइज़ जो है वो उन्हीं की आंखों से देखो, आप इसको अपने तरीके से भी देख सकते हो। कहते हैं ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, उसने कहा कि आप जरूरी नहीं जो चाइनीज़ की पेंटिंग होती है ना, आप ये नहीं कि जो वो दिखाना चाहते हैं आप उसी को देखो, आप उसमें कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे जो पेंटर है उसने ये चीज़ हमें दिखाने की कोशिश की है, तो कहते हैं जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो चाहते हैं कि आप अपना दिमाग भी लगाओ। ठीक है, आप एंटर करो हिज माइंड, कि आप अपने माइंड से ही एंटर करो, आप अपने माइंड से ही देखो कि जो पेंटर है उसने हमें क्या चीज़ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कहते हैं द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन एंड द स्पिरिचुअल एंड द कंसेप्चुअल स्पेस। तो कहते हैं ये जो लैंडस्केप जो बनाते हैं चाइनीज़, ये इनर मतलब एक स्पिरिचुअल जो होती है ना, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, मतलब एक इंटरनली जैसे हम कहते हैं ना कि वो अंदर से वो चीज़ें हमें समझाने की कोशिश करते हैं, कहते इस तरह से हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो बेटा आज के लेक्चर में बच्चे आपको मैं इतना ही करवाऊंगी, तो वी विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट लेक्चर, एंड सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।